तो कंटिन्यूइंग द आरबीआई ग्रेड बी क्लासेस, तो हमने लास्ट क्लास में मेन थ्री थ्योरीज की थी जो कि हमारी कंटेंट बेस्ड थ्योरीज थी। आज की क्लास में जो फोर्थ इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंटेंट बेस्ड थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कर रहे हैं हमारी सेकेंड क्लास ऑफ मोटिवेशन में। तो आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं सबसे पहले वो है टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी है? हर्ट्जबर्ग ने दी है ये थ्योरी। ठीक है, अगर पूरा नाम आपको एग्जाम में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने पूरा नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पूरा नाम है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ठीक है, उन्होंने बोला है बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं मोटिवेटर्स, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं उनको जॉब कंटेक्स्ट भी कहा जाता है, और जो सेकंड फैक्टर्स हैं जो कि होते हैं सेटिस्फायर्स, उनको जॉब कंटेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, क्योंकि हम दो ही वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, मेनली मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सबसे ध्यान हमें क्या रखना है, देखो जो मोटिवेटर्स हैं वो तो या तो इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलेगी मोटिवेटर फैक्टर से, या नो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और जो हाइजीन फैक्टर हैं उनसे या तो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी या फिर नो डिससेटिस्फैक्शन मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सपोज मैंने बोला कि कोई बंदा है ही इज सैटिस्फाइड, ठीक है, और एक तरफ मैंने बोला ही इज नॉट डिससैटिस्फाइड, इन दोनों का मतलब सेम नहीं है, इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। मतलब सैटिस्फैक्शन का मीनिंग और नो डिससैटिस्फैक्शन का मीनिंग डिफरेंट है, ये ध्यान से रख लेना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सैटिस्फैक्शन और नो डिससैटिस्फैक्शन सेम नहीं है, ये अलग-अलग चीजें हैं। ये मतलब जरूरी नहीं है कि ये सेम ही हो। ठीक है, और जो मोटिवेटर्स हैं उन्हें सैटिस्फायर भी कहा जाता है। तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग, टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग, सैटिस्फायर्स और मोटिवेटर्स। तो सैटिस्फायर्स को मोटिवेटर्स भी, सैटिस्फायर्स और हाइजीन फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर वो वाले हैं जिसकी वजह से या तो किसी बंदे को डिससैटिस्फैक्शन होगी या नो डिससैटिस्फैक्शन होगी, और ऑन द अदर हैंड जो मोटिवेटर्स हैं उससे किसी पर्सन को या तो सैटिस्फैक्शन होगी या नो सैटिस्फैक्शन होगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। देखो एक और चीज, हाइजीन फैक्टर्स कैन नॉट मोटिवेट सैटिस्फाई, दो दे कैन प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। तो हाइजीन फैक्टर का डिससैटिस्फैक्शन या नो डिससैटिस्फैक्शन के साथ ही लिंक होता है। अब हम इसको और क्लियरली ना ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई भी स्टाफ मेंबर है, वो बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड है और बहुत ही ज्यादा अनमोटिवेटेड है, पर उसकी लाइफ में बहुत सारे हाइजीन फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से उसकी जो जिसकी वजह से क्या होगा, द स्टाफ इज नॉट डिससैटिस्फाइड। अब जरूरी नहीं है कि वो सैटिस्फाइड हुए, बट वो नॉट डिससैटिस्फाइड वाली सिचुएशन में चला जाएगा, बट स्टिल वो अनमोटिवेटेड होगा क्योंकि अभी तक मोटिवेशनल फैक्टर्स नहीं है। तो जब मोटिवेशनल फैक्टर्स भी आ जाएंगे तो स्टाफ सैटिस्फाइड हो जाएगा और साथ में ही मोटिवेट हो जाएगा। बस मेन इसमें यही ध्यान रखना है कि नो डिससैटिस्फैक्शन का मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं है नेसेसरली। ठीक है, अब मोटिवेशन फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ जो इसके ड्रॉबैक्स में भी आपको हेल्प कर समझाने में हेल्प करेंगे। तो जो मोटिवेशन फैक्टर्स है ना उसमें मेनली इंट्रिंसिक फैक्टर्स ही आएंगे जिससे पर्सन को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, प्रमोशन, ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं? मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। और हाइजीन फैक्टर्स में क्या आ गया? कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वर्किंग कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी। तो ये याद करके जाने हैं हमें मेनली हाइजीन फैक्टर्स, तो पक्का याद कर लेना। एक तो ध्यान रखो जो सैलरी है वो हाइजीन फैक्टर का है, इसका मतलब सैलरी से बंदे को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। ये बोल रहा है क्लियरली कि सैलरी से पर्सन को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सैलरी की वजह से या तो पर्सन उस सिचुएशन में होगा जिसमें उसको डिससैटिस्फैक्शन हो रही होगी, या नो डिससैटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन में होगा। वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, ये सारे हाइजीन फैक्टर्स का ही पार्ट है। ठीक है, अब जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं मतलब वो कौन से फैक्टर्स होंगे? मोटिवेटर्स, जिन्हें हम सैटिस्फायर्स भी बोलते हैं, और दीज आर रिलेटेड टू द जॉब सैटिस्फैक्शन। और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द डिससैटिस्फैक्शन। और जो हर्ट्जबर्ग है ना उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली कि जो हाइजीन वाले फैक्टर्स हैं उनको हम कीटा फैक्टर्स भी बोलते हैं। कीटा फैक्टर्स की फुल फॉर्म है किक इन द एस। क्या है फुल फॉर्म? किक इन द एस। तो कहते हैं जो कीटा फैक्टर्स है वो कभी भी पर्सन को मोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि कीटा फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? हाइजीन फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली थ्री टाइप का कीटास बताया है हर्ट्जबर्ग ने। एक तो है नेगेटिव फिजिकल कीटा, एक है नेगेटिव साइकोलॉजिकल कीटा, एक है पॉजिटिव कीटा। नेगेटिव फिजिकल कीटा में हमने थ्रेटन कर दिया एम्प्लॉयज को कि आपको ये काम ऐसे करना पड़ेगा वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी।
और नेगेटिव साइकोलॉजिकल किटा में क्या आ गया, हम उनके साथ इमोशनल गेम्स खेल रहे हैं। पॉजिटिव किटा में क्या आ गया, जस्ट गिविंग प्रमोशन और स्टेटस विदाउट गिविंग द रिकॉग्निशन। तो उनमें उनको मतलब एक तरह से उनको जो मोटिवेटर है वो नहीं होगा ना, तो वो सिर्फ हाइजीन फैक्टर का पार्ट आ गया। ठीक है, अब एक और चीज उन्होंने बोला है कि जैसे जो पर्सनालिटी है, कोई भी बंदे की पर्सनालिटी है वो भी डिपेंडेंट हो, वो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो लोग हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पर्सनालिटीज लोगों की दो तरह की हो सकती है, या तो वो मोटिवेशन सीकर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटिंग फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो होंगे मेंटेनेंस सीकर्स, तो उनके लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, और एक और चीज, टूडेज मोटिवेटर्स वुड बी टुमारोज हाइजीन फैक्टर्स। एक और पॉइंट है हर्ट्जबर्ग थ्योरी का, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टुडेज मोटिवेटर्स वुड बी टुमारोज हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, अब एक और डायग्राम से इसको, ये इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी का। ठीक है, अब सपोज कोई सिचुएशन है उसमें हाइजीन फैक्टर्स है और इधर मोटिवेशन फैक्टर्स है। अब अगर किसी पर्सन के पास लो हाइजीन फैक्टर है और लो मोटिवेशन है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उस केस पे ना ही वो बंदा मोटिवेटेड होगा और सारा टाइम बस कंप्लेंट ही कंप्लेंट करता रहेगा। अब किसी बंदे के हाई हाइजीन फैक्टर्स हैं बट लो मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है बट आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे आप कंप्लेंट तो नहीं करोगे क्योंकि आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है, बट स्टिल आपका मन नहीं करेगा काम पे जाने के लिए क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन है दैट इज वेरी लो। ये आइडल सिचुएशन होती है जब हाई हाइजीन एंड हाई मोटिवेशन होता है, वो आइडल सिचुएशन होती है। पर्सन दिल से मोटिवेट, दिल लगा के काम करता है, आइडली काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपनी आइडल सिचुएशन में हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब से जैसे मतलब कुछ भी लगा लो आप, मतलब हाई हाइजीन और हाई मोटिवेशन मतलब आइडल सिचुएशन। कोई जैसे कोई भी पर्सन है उसे टीचिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है और उसका प्रॉपर मोनिटाइज हुआ चैनल, तो उसके लिए आइडल सिचुएशन होगी क्योंकि वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, हाईली मोटिवेटेड है, उसको खुद ही होगा कि हाँ मुझे करना है ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या हो, किस सिनेरियो क्या हो सकते हैं, लो हाइजीन फैक्टर्स बट हाई मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी तो अच्छी नहीं है 10,000 बट उसे पढ़ाने का शौक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब वो मोटिवेटेड तो होगा बट गालियां निकालता रहेगा कि यार मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, कुछ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, कुछ भी मतलब। ठीक है, तो ये चीज। अब क्रिटिसिज्म क्या है इस टू फैक्टर थ्योरी का, तो जो ये हर्ट्जबर्ग ने थ्योरी बनाई थी ये लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स करके बनाई थी, उसने सिर्फ इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को मेनली कवर किया था, तो हम ये नहीं बोल सकते कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कि ये हर एक जगह एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और जो हर्ट्जबर्ग है उसने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जॉब एनरिचमेंट पर। जरूरी नहीं है कि जॉब एनरिचमेंट हर एक के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि सैलरी है जो हाइजीन फैक्टर्स में आएगी, पर कोई पर्सन है उसके लिए सैलरी मोटिवेटर भी हो सकती है। अगर मुझे कोई कहे कि आज मैं तो 1 लाख के बजाय 2 लाख दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज किसी जॉब में, तो वो बंदा और मन लगा के काम करेगा, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी ना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा पे मिल रहा है। तो उसने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, उसने बोल दिया कि मतलब उसने पे स्टेटस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस जॉब एनरिचमेंट पे दिया। हर एक बंदे का अपना अपना होता है कि किस क्या जिसको उसको मोटिवेट करिए, उसने बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब क्लियरली बोल दिया कि ये चीज इसमें है, ये चीज इसमें। फॉर एग्जांपल कोई फैक्टर है वो किसी पर्सन को सेटिस्फैक्शन दे रहा है बट किसी और पर्सन को डिससेटिस्फैक्शन भी दे सकता है, तो ये जरूरी नहीं है इतना ओवर सिंप्लीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट है मास्लोस एंड हर्ट्जबर्ग्स और एल्फ्रेड्स और मैकलेलैंड्स, हमने ये थ्योरीज की है ना, इसका ये चार थ्योरीज कंटेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। एक बार इनका ओवरव्यू से ले लेते हैं। देखो मास्लो ने कहा था 5 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हमने एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी, वो क्या है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ठीक है, अभी जो हमने रिसेंट की हर्ट्जबर्ग की, उसने बोला दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स या सेटिस्फायर्स। ठीक है, और हमने एक किया था मैकलेलैंड थ्योरी, उसमें हमने किया नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। राइट, और जो ये नीचे वाली है, ये जो येलो से मार्क की हुई है, दे आर द लोअर ऑर्डर नीड्स, एंड जो पिंक वाली मार्क है दे आर द हायर ऑर्डर नीड्स। ठीक है, तो मेन इसमें जो एफिलिएशन है दैट इज एट द पार्ट ऑफ लोअर ऑर्डर नीड्स, और पावर और अचीवमेंट हायर ऑर्डर नीड्स का है। इसके सेटिस्फायर फैक्टर्स इसमें ग्रोथ, इसमें स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर ऑर्डर नीड्स का पार्ट है। ठीक है, तो जो हायर लेवल ऑफ नीड्स है, मोस्टली इन सभी थ्योरी हम कंटेंट बेस्ड थ्योरीज कर रहे हैं, तो जो हायर लेवल ऑफ नीड्स है ये यूजुअली इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स होती हैं, जो बंदे को अंदर से काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और ऑन द अदर हैंड जो लोअर लेवल ऑफ नीड्स होती हैं दे आर द एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। ठीक है, यूजुअली
अब कुछ अभी हमारा जो मेन सिलेबस है जिसमें जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो हमने चार थ्योरीज कर ली फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसेस वाली अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अदर कंटेंट थ्योरीज कौन सी हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आपको पता है आरबीआई ग्रेड बी में 50% पेपर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएगा, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें सबसे पहले थ्योरी आ जाती है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी है? मैकग्रिगोर। किसने दी है? मैकग्रिगोर। और फुल फॉर्म, अगर फुल पर्सन का नेम भी हमें बताना चाहिए क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, तो डोगलास मैकग्रिगोर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दो टाइप ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर होते हैं, एक तो होते हैं थ्योरी एक्स मैनेजर्स, एक होते हैं थ्योरी वाई मैनेजर्स। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव में आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ज्यादा उसके बाद दो तरह के मैनेजर्स होते हैं, थ्योरी एक्स मैनेजर्स एंड थ्योरी वाई मैनेजर्स। थ्योरी एक्स के अजम्पशंस क्या हम लेके चलते हैं कि जो पर्सन है ना जो काम करते हैं उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, और वो अवॉइड करते रहते हैं क्योंकि उन्हें काम करना ही नहीं पसंद, तो उन लोगों को हमें डरा के धमका के कंट्रोल करके काम करवाना पड़ता है क्योंकि वो जो लोग हैं दे आर वो एम्बिशियस नहीं है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है, उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, मतलब उनके ऊपर कोई निगाह रखे हर टाइम। ठीक है, तो जो यूजुअली थ्योरी एक्स मैनेजर्स होते हैं उनका नेचर कैसे होता है? कंट्रोलिंग होता है, मतलब ऑथोरिटेरियन होता है उनका नेचर से। ठीक है, और वो क्या करते हैं? यूजुअली थ्रेटन करते हैं और उन्हें पनिशमेंट्स वगैरह देते हैं ताकि वो लोग काम करें। तो इसमें पूछ सकते हैं थ्योरी एक्स में कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है, तो उसमें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच फॉलो किया जाता है। कैरेट मतलब अगर वो अच्छा काम करेंगे उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, स्टिक मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस टाइप पे जो मैनेजर है थ्योरी एक्स टाइप के वो सूटेबल है? जहाँ पे असेंबली लाइन वर्क नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिस्कुट्स हैं सेम साइज के बनाने हैं, मोनोटोनस वर्क है, उस टाइप ऑफ काम है जहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरी वाई अजम्पशंस। थ्योरी वाई में हमने क्या माना कि जो लोग हैं उन्हें अपने काम में एफर्ट डालना अच्छा लगता है, वो सेल्फ डायरेक्शन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, कमिटेड हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स और पीपल रिलिश एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता है, एंड क्रिएटिव लोग हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें पसंद है, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, स्किल है जो कि अंडर यूज है, तो उन्हें कुछ इतना कंट्रोल करने का लोड ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अपने आप ही अंदर से इतने ज्यादा मोटिवेटेड है, वो खुद ही काम करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में जो थ्योरी वाई मैनेजर्स होंगे वो क्या होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे, कंसल्टेटिव होंगे, इमर्जिंग होंगे, हेल्प करेंगे, इनकरेज करेंगे ताकि जो काम है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब लास्ट दो थ्योरीज हैं कंटेंट बेस्ड जो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी जेड बाय विलियम आउची। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? थ्योरी जेड बाय विलियम आउची। कौन सी थ्योरी? जेड बाय विलियम आउची। तो ये वाली जो थ्योरी है ये यूएस एंड जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल पर बेस्ड है। ठीक है, उस टाइम पे माना जाता था कि जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है एज कम्पेयर टू द जापानीज सक्सेस। जो जापानीज सक्सेस है वो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रही है क्योंकि वो स्पेशल वे अप्लाई कर रही है लोगों को मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से जो उनके रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं विलियम आउची की थ्योरी जेड के। उसने बोला कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट करनी है रादर देन शॉर्ट टर्म, और लोगों का बार बार मोनोटोनस वर्क ना हो इसलिए हमें ट्राई करना है कि जॉब पे जॉब रोटेशन होती रहे। ठीक है, उसके बाद लोगों को प्रॉपरली हमें ट्रेन करना है, केयर रखनी है, उनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, लोगों की पर्सनल फैमिली वगैरह होगी उन सबकी केयर करनी है, मतलब उनको प्रॉपर उनको खुद से आएगी, ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहिए, फॉर्मलाइज मेजर लें, इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और ऐसे ना हो कि आप प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट करो, जो प्रमोशन का रेट है वो थोड़ा स्लो होना चाहिए ताकि लोग सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी प्रमोशन देते रहोगे ना तो लोग सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होंगे अपने काम से। और उसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है वो पार्टिसिपेटिव हो, मतलब कलेक्टिव हो, ऐसे ना हो सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसके हाथ में हो डिसीजन मेकिंग, रादर देन द डिसीजन मेकिंग शुड बी कलेक्टिव। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं विलियम आउची की थ्योरी जेड की। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, जॉब रोटेशन, स्लो प्रमोशन, फोकस ऑन ट्रेनिंग, केयर फॉर द पर्सनल सर्कमस्टांसेस, फॉर्मलाइज मेजर्स एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारी लास्ट थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है कंटेंट थ्योरी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, छोटी सी है, ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें इन्होंने बोला है कि जो मोटिवेशन है ना किसी भी पर्सन के लिए वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक होती है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है। कोई भी पर्सन है वो लर्निंग या कंडीशनिंग करके मोटिवेशन को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो उसकी जीन्स है वही इफेक्ट करते हैं उसकी मोटिवेशन को। तो मेन सबसे ज्यादा रूट क्या है मोटिवेशन की? मोटिवेशन टू सर्वाइव। ठीक
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि कोई बेबी है वो पूरी रात रो रहा है, ठीक है, एंड द मदर विल नॉट स्लीप अंटिल जब तक उसका बेबी मतलब चुप नहीं हो जाता, क्योंकि ये मदर का इंस्टिंक्ट है कि वो अपने बेबी को कंफर्ट प्रोवाइड करे. तो मतलब मेन जो मोटिवेशन है वो बंदे के अंदर से आता है रेदर देन लर्निंग या कंडीशनिंग से. कंडीशनिंग या लर्निंग अफेक्ट नहीं करेगी, आपके अंदर से बायोलॉजिकली आता है. तो ये सिंपल थ्योरी है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. अभी हमारी कंटेंट थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोसेस थ्योरीज. तो मेन बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरीज हैं, उसके अलावा जो हमने डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चार थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, मास्लो और ये जो ERG थ्योरी है, हर्ट्सबर्ग थ्योरी और मैक्लेलैंड थ्योरी है, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें विलियम ज़ेडाउची वाली आएगी और थ्योरी एक्स एंड वाई आएगी, ठीक है, ये वाली थ्योरीज आएंगी. तो हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को साथ में लेके चलना है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे हम प्रोसेस थ्योरीज.